एक दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने नवसारी में लगभग 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कई पैकेजों सहित कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं में भरूच नवसारी वलसाड़ में कई सड़क परियोजनाएं, तापी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, भरूच में भूमिगत जल निकासी परियोजना शामिल है। भारत फिनलैंड राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉटलोलेने ने एक लोगो का अनावरण किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फिनलैंड की विदेश मंत्री के साथ भारत फिनलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल का जश्न मनाने वाले लोगों का अनावरण करते हुए खुशी हो रही है। गौरतलब है कि भारत और फिनलैंड के बीच पारंपरिक रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के गोंडा गांव का दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने गोंडा गांव में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनजातीय संस्कृति के सम्मान और पिछड़े व आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्पित रही है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 77% अनुमोदन रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।